बनाना को लाइटली बॉईल करके पील आउट कर ले, कच्चे बनाना को पक्के बनाना नहीं, अनियन जिंजर गार्लिक चिल्ली एक्सेट कटिंग कर ले, राजधानी बेसन ले ले, राजधानी एक्सप्रेस नहीं चाहे ग्रेड 1-2-3 कोई भी हो, बनाना को राइट हैंड से ग्रेट कर ले चाहे राइट लेफ्ट किसी से भी कर सकते, ग्रेट करते गए जब तक कि पूरा बनाना ग्रेट ना हो जाए, बीच पे ना छोड़े। यस, ये वही बनाना है जिसे आपने ग्रेट किया था, दूसरा नहीं। इसमें बेसन मिला ले एज पर योर रिक्वायर्ड क्वांटिटी। इसमें इंग्रेडिएंट डाल ले, टर्मरिक, कोरिएंडर पाउडर, व्हाटएवर यू एक्सेप्टेबल। ऑयल को हीट कर ले और बेसन और बनाने को अच्छी तरीके से फेंट ले लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट या राइट किसी से फेंटे, ऐसा कोई रूल एक्ट रेगुलेशन नहीं है। और इसके छोटे छोटे गोलियां बना ले, बंदूक में डालने के लिए नहीं, डीप फ्राई में डालने के लिए ऐसे। और इसे तब तक फ्राई होने दे जब तक ये गुस्से से रेड आंखों से घूर के ना देखना शुरू कर दे और गोलियां बनाते रहें। और इसे रोज बेरी ना समझे, यह बनाना बेसन का पकौड़े रोज बेरी नहीं है, वो मुंह में पानी जरूर आ रहा होगा। लेट्स गो नेक्स्ट स्टार्ट फॉर ग्रेवी प्रिपेयरिंग। ये तो वही है, वही वही। कंटिन्यू मेकिंग ग्रेवी, साल्ट, बे लीव और वही और अनियन, ऑयल, क्यूमिन पाउडर, टर्मरिक पाउडर, एक्सेप्टेबल यू एक्सेप्टेबल। और इसमें हमें कम करते हैं, थोड़ा मैगी स्पाइस डाल देते हैं, मैगी वाला। वाटर इज लाइफ, वाटर तो कंपल्सरी है। ओह, मैगी की याद मत दिला। ओह, और इस ग्रेवी को अच्छे से पका ले और पकाने के बाद इसमें रोज बेरी डाल ले, पकौड़े डाल ले बेसन और बनाना के, और इसे हल्का सा बॉईल कर दे ताकि ग्रेवी कोफ्ता के अंदर चले जाए। और ये बन गया आपका बनाना कोफ्ता, केला कोफ्ता। थाली में निकाल ले और चपाती के साथ खा ले, या यम्मी। मुँह में पानी आया क्या बताना।